सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। और कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? जैसा कि हम सब जानते हैं, सावन के महीने में पूरे महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ता है। क्यों चढ़ता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं कि हम लोग शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं। सावन का ही वो पवित्र महीना है जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें 14 अमूल्य रत्न निकले थे, जिसमें से सबसे पहले निकला था हलाहल विष। वह विष इतना प्रभावशाली था कि उसकी दुर्गंध ही इतनी प्रभावशाली थी कि वह सारी सृष्टि को विनाश की ज्वालामुखी में जलाने के लिए तैयार थी। तब सारे देवता त्राहिमाम करते हुए भगवान विष्णु के पास और भगवान ब्रह्मा जी के पास गए कि आप कुछ उपाय कीजिए, इस जल का कुछ कीजिए, इस विष का कुछ कीजिए। तब विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी भगवान ने कहा कि मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, हमारे पास का कोई उपाय नहीं है, आप भगवान भोलेनाथ के पास जाइए। तब सारे देवता मिलकर भगवान भोलेनाथ के पास गए। भगवान भोलेनाथ तब तपस्या में लीन बैठे हुए थे। सारे देवता त्राहिमाम चिल्लाते हुए उनके पास गए तो उनकी तपस्या भंग हो गई। फिर उन्होंने पूछा, क्या बात है, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? तब उन्होंने बताया कि समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला है जो सारे सृष्टि का विनाश करने के लिए तैयार है, आप कृपया करके कोई उपाय कीजिए जिससे ये विनाश रुक जाए। तब उन्होंने कहा, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूँ। तब उन्होंने कहा प्रभु, आप इस विष को पी जाइए क्योंकि आप तो अजर अमर हैं। तब भगवान भोलेनाथ बोले, मैं इसको निगल नहीं सकता हूँ, हाँ लेकिन इसको अपने कंठ में रोक के रख सकता हूँ। तब भगवान भोलेनाथ ने विष्णु भगवान के शंख से उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया, लेकिन वो उस कंठ में विष पहुँचते ही इतना तेज प्रबल दुर्गंधकारी और प्रलयकारी था कि भगवान भोलेनाथ तक बेचैन हो गए और वो तड़प कर इधर उधर भागने लगे। तब वे तड़पते तड़पते मणिकूट पर्वत पर पहुँचे। अब मणिकूट पर्वत पर ही वो स्थान है जो आज नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। वहाँ भगवान भोलेनाथ को एक ऐसी औषधि मिली जो आज भांग के नाम से जानी जाती है, जिसका सेवन भगवान भोलेनाथ ने किया, जिसमें इतनी तीक्ष्ण क्षमता थी जो इस विष के गर्मी के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की शुद्ध बुद्ध भी खो गई। भगवान भोलेनाथ अर्ध बेहोशी की हालत में चले गए उस भांग को पीने से, उस जड़ी बूटी के पीने से। अतः जनमानस को इस जड़ी बूटी का, इस भांग का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसने भगवान भोलेनाथ को अर्ध बेहोशी की हालत में पहुंचा दिया, सोचो वो जड़ी बूटी कितनी तीक्ष्ण है। तो जनमानस को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ये सीधे दिमाग पर असर करने के साथ साथ इंसान को, मनुष्य को पागल कर देती है। और हाँ, ये भ्रांति समाज में दुष्प्रचार करने के लिए फैलाई गई है कि माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को भांग घोंट घोंट कर पिलाती थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। भगवान भोलेनाथ ने सिर्फ एक बार उस जहर की तीक्ष्ण गर्मी को शांत करने के लिए उस बूटी का सेवन किया था। जब भगवान भोलेनाथ अर्ध बेहोशी की हालत में पहुँच गए थे तो देवता चिंतित हो गए और उनको होश में लाने के लिए देवताओं ने भगवान भोलेनाथ के सिर पर लगातार जल डालना शुरू किया। और सावन के पूरे महीने में लगातार जल चढ़ाते चढ़ाते जल डालने से भगवान भोलेनाथ का जो विष का असर था वो धीरे धीरे शांत होने लगा। और सावन मास की चतुर्दशी के दिन भगवान भोलेनाथ अपनी चेतना में आ गए, बेहोशी से होश की हालत में आ गए। इसीलिए भगवान भोलेनाथ पर, शिवलिंग पर सावन के महीने में पूरे महीने महीने गंगाजल चढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई हमारी आध्यात्मिक बात कि गंगाजल हम शिवलिंग पर क्यों चढ़ाते हैं। अब हम जानते हैं इसका वैज्ञानिक कारण क्या है कि क्यों शिवलिंग पर जल या गंगाजल चढ़ाया जाता है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार सभी ज्योतिर्लिंगों पर सबसे ज़्यादा रेडियंस पाया जाता है। एक शिवलिंग एक न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तरह रेडियो एक्टिव एनर्जी से परिपूर्ण होता है, इसलिए प्रलयंकारी ऊर्जा को शांत रखने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल भी रिएक्टिव हो जाता है, इस जल को बहाने वाले मार्ग को लांघा नहीं जाता है। फ्रेंड्स, जैसे आप कहते हैं शिव जी की नाले को लांघना नहीं चाहिए, उसकी वजह यही है कि
जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है वो भी रिएक्टिव हो जाता है, इसलिए उस जल को उस स्थान को नहीं लांगना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल नदी में बहते हुए जल के साथ मिलकर एक औषधि का रूप ले लेता है। तो फ्रेंड्स ये है हमारी दो वजह जिसकी वजह से शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, एक आध्यात्मिक वजह और एक वैज्ञानिक वजह, दोनों ही वजह मैंने आपको बताई हैं। फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सके और मेरी मेहनत सफल हो जाए। प्लीज़ फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक लाइक ज़रूर दीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स आप सभी व्यूअर्स को, धन्यवाद।